इग्नो सेंटर मंडी में इंडक्शन बैठक आयोजन किया गया। ये बैठक नए छात्रों को इंट्रोड्यूस करवाने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। बैठक में क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के वाइस चांसलर सीएल चंदन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वाइस चांसलर सीएल चंदन ने इग्नू की सराहना करते हुए कहा कि इग्नो का सिलेबस प्रतियोगिता संबंधित परीक्षाओं के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि आईएएस और एचएएस की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए इग्नो का सिलेबस सहायक सिद्ध होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इग्नो से काफी समय से जुड़े रहे हैं। इग्नो एक्चुअली इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन व्हाट वी अंडरस्टैंड बिकॉज देयर आर टू टर्म्स दैट वी कॉमनली यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू इग्नो इज डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग। Actually, there is these two terms have a different connotation, different meaning. Open learning actually is a wider concept, which includes distance learning. Open learning is a much flexible concept in which the e-resource is made available on the internet, on sites of IGNU. There are various programs which the UGC and the IGNU are running. For example, you must be aware about MOOCs, Swayamprabha. So a lot of e-content and learning material is available, and there is a lot of flexibility. You can opt for any course, you can select various courses, and the objective in open learning is not merely getting degrees. इससे पूर्व इग्नो सेंटर की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए इग्नो के सहायक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से विद्यार्थियों को जहां इंट्रोड्यूस करवाया गया, वहीं सिलेबस के बारे में भी जागरूक किया गया। इस बैठक में इग्नो सेंटर के करीब 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इग्नो के रीजनल ऑफिस की ओर से राजकीय महाविद्यालय मंडी में इग्नो अध्ययन केंद्र में इग्नो की इंडक्शन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस इंडक्शन मीटिंग का आयोजन जनवरी 2019-70 के नए विद्यार्थियों के लिए किया गया। इंडक्शन मीटिंग से अभिप्राय नए छात्रों को स्टडी सेंटर के स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाना और उनकी आपस में इंट्रोडक्शन करने से है और उनको उनके सारे कोर्स के बारे में जानकारी देने से होता है।